जिला बिलासपुर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने निर्णय लिया है कि 3 मई से निजी बसों के संचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने इस संदर्भ में उपायुक्त को ज्ञापन ऑनलाइन भेजा है। जिला बिलासपुर निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान राजेश पटियाल ने बताया कि निजी बस ऑपरेटर बीते 8 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, बसों में सवारियों की संख्या बहुत कम है, जिसके चलते निजी बस ऑपरेटर बसों को चलाने में असमर्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे प्रदेश भर में 10-15% बसों का ही संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को 3 माह का 50% टैक्स माफ करने की घोषणा की थी, जबकि बीते 8 माह में टैक्स अभी तक भी बकाया है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि टैक्स माफी एवं कार्यशील पूंजी को लेकर लागू करना है, लेकिन सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को प्रधान सचिव परिवहन की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि अप्रैल महीने में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर प्राइवेट ऑपरेटर यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि अब 3 मई से कोई भी निजी बस सड़क पर नहीं दिखाई देगी। मेरा नाम सुखदेव है, हमारा मोर सिंह से बिलासपुर है। हमारे बसें सॉरी पूरी नहीं हो रही है और तेल के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं और मालिक हमें पैसे देने दिहाड़ी देने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। पैसा नहीं पूरा था, सवारी नहीं होती गाड़ी में, सवारी नहीं है तो 3 रिक्शे हैं, सवारी नहीं है तो इसलिए हम बसें बंद कर रहे हैं। सवारी तेल नहीं पूरा हो रहा है और जी मैं एक्सोलाल चौहान हूँ जी, ये अपने नंदगांव से हूँ और मेरा कंधर से चलती है गाड़ी बिलासपुर के लिए। और हमारे पास सर ना सवारियाँ हो रही है, ना कुछ नहीं, मतलब ना हमारे तेल खर्चा हो रहा है, ना अभी तक हमारे को तनख्वाह मिल रही है, तो इस कारण मतलब कोई सुविधा नहीं हो रहा है इससे कि। और इन्होंने बोले 3 तारीख को कर रहे कि हम टैक्स माफ़ कर देंगे, हमारा कोई टैक्स माफ़ नहीं हुआ और ना कर रहे सरकार, और हमारे मतलब ऐसे हालात हो गए कि हम मतलब हाथ खड़े हो गए चारों साइड से मजबूर, कि ना तो हमारे को पैसे मिल रहे ना तनख्वाह मिल रही है। अब 3-4 महीने के अभी कोई तनख्वाह नहीं मिली हुई, हमें पेट्रोल का खर्चा निकला है, तेल का खर्चा निकला है, कुछ नहीं। अब क्या करें आप बताओ, तो खर्चा तो निकल रहा है, कहाँ से करेंगे, तो खरीद करने पड़ेंगे, टैक्स माफ़ नहीं हो रहे, अब खर्चा यहाँ कोई नहीं निकला है हमारे। आज तक तो मतलब जैसे भी निकाला हुआ तो बड़ी मुश्किल, तेल कूल कर ऐसे चलाए हुआ, मतलब कुछ नहीं कुछ बचता नहीं है हमारे लिए। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मेरी गाड़ी जो है गुरु कलौर से बिलासपुर चलती है। आजकल हमारा इतना बुरा हाल चला हुआ है कि हमारे तेल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, ना हमारी दिहाड़ी निकल रही है, ना तेल के पैसे, ना मालिक को हम कुछ दे रहे हैं। तो सरकार ने हमारे को बार बार आश्वासन दिया कि आपकी टैक्स माफ़ किए जाएंगे, तो मालिक भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, हमारे को रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। आजकल तो बहुत बुरा हाल है, सरकार ने पहले ही 50% जो है सवारी कर दी है, सवारी हमारी गाड़ी में खाली हैं गाड़ियाँ, 50% तो छोड़ो, सीटें भी पूरी नहीं हो रही हैं हमारी, तो खाली है। 10-15 सवारी लेकर दौड़े हुए हैं, कभी 5 बैठे हुए हैं, कभी 2 बैठे हुए हैं, तो तेल हमारी गाड़ी में जो है 6,000 रुपये का पड़ता है। तो हमारा जो बुरा हाल है, सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम जो है टैक्स माफ़ करेंगे, उसके लिए हमारे जो प्रधान यूनियन के प्रधान बने हुए हैं उनसे उनकी वार्तालाप हुई कई दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपके टैक्स माफ़ किए जाएंगे, तो हमारे को वो पता नहीं मालिक का वो भी कुछ नहीं हो रहा है, आज तक कोई फैसला लिया सरकार ने इसके बारे में भी। और इस समझ लो गाड़ियाँ तो चलना ही मुश्किल है सर, गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमारे टैक्स माफ़ किए जाए, तो हमारे को भी मालिक दिहाड़ी दे, और हमारे जो तेल गाड़ियों को नहीं पड़ रहा है तो सर इससे तो लॉकडाउन लगाना ही अच्छा है, तो हमारी गाड़ियाँ खड़ जाए तो अच्छा है।